हालांकि जिस तरह से ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट मिला है, WHO ने ये नाम दिया है ओमिक्रॉन, ऐसे में आपको बता दें कि इसको देखते हुए यूएस ने भी फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं साउथ अफ्रीका से, ताकि वेरिएंट उनके देश में ना पहुंच सके। तो ऐसे में जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या कुछ इसके बारे में और डिटेल में जानकारी होगी ये आपको बताएंगे, इसीलिए डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट हैं JP हॉस्पिटल के। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद डॉक्टर रंजन। देखिए, आज जिस तरह से पूरी दुनिया में इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बात हो रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका नाम WHO ने दिया है, इसको किस तरह से आसान शब्दों में हमें समझना चाहिए ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो उसे बहुत सही से समझ सके। देखिए, ओमिक्रॉन वायरस जो है, जो अभी डिस्कवर हुआ है बोत्सवाना में, अभी राहत भरी खबर ये है कि इंडिया में अभी एक भी इसके अफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, एक भी पेशेंट में डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जैसा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है जी, जैसा पहले डेल्टा वेरिएंट था उससे कहीं ज्यादा तेज फैलता है। और इनफैक्ट जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनमें भी होने की संभावना है, पर इसके लिए अभी रिसर्च होनी बाकी है जी। ये और रिसर्च होगी तो हमें पता चलेगा कि जो हमें वैक्सीन लगी है वो हमें ओमिक्रॉन वायरस के इफेक्ट से बचा पाएंगे या फिर हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत है जी। और जैसे अब इंडिया में अभी हम बात करें तो इंडिया में फिलहाल जो कोरोना है, अच्छी चीज ये है कि दिवाली वगैरह में जो थर्ड वेव की आशंका थी वो आई नहीं, और अभी पैंडेमिक की जगह एंडेमिक बना हुआ है, मतलब कि देश के कुछ पार्टिकुलर हिस्सों में जैसे कि केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, थोड़े बहुत कर्नाटक तमिलनाडु में ही है, जो सेंट्रल ये दिल्ली और आसपास के एरिया हैं उसमें बहुत मिनिमल केसेस हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ केसेस थोड़े से बढ़े हैं। इसलिए हम सबको प्रिकॉशन लेके चलना होगा, अलर्ट रहना है। जैसा हम देख रहे हैं कि यूरोप में केसेस काफी बढ़ चुके हैं और कई जगहों यूरोपियन कंट्रीज ने काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेना शुरू किया है और कई जगह से फ्लाइट्स भी बंद कर दी। इंडिया को भी भारत सरकार ने आगे कुछ एसेस के लिए कुछ नए साइंटिस्ट रिसर्च लेने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद कुछ उपाय करेंगी, और हमें अभी भी सारा प्रिकॉशन लेकर चलना है जी। बिल्कुल लोगों से डिस्टेंस जी, बिल्कुल डॉक्टर रंजन। लेकिन देखिए, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी, डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, तो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन में हम फर्क किस तरह से समझे, कितना फर्क इसमें है? देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च आएगी तो हम ज्यादा कुछ बेहतर बता पाएंगे, अभी उतनी रिसर्च नहीं आई है। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि साइंटिस्ट अभी बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है और जिनका इम्यूनिटी अच्छा भी रहता है उसमें भी अटैक कर सकता है, पर अगले कुछ दिनों में इसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी, हम इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे जी। बिल्कुल डॉक्टर रंजन। और देखिए, जिस तरह से अगर पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं पूरे देश में, लगभग ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं करीब 1.5-2 साल बाद। तो क्या अब अगर मान लीजिए, ये बहुत राहत वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि भारत में अभी इसका एक भी केस नहीं आया है, लेकिन बच्चों को सावधान किस तरह से रखा जाए? देखिए, पॉल्यूशन की वजह से वैसे ही तमाम परेशानियाँ हम युवाओं में या फिर बुजुर्गों में या फिर बच्चों में देख रहे हैं, आमतौर पर हर किसी की आंखों में जलन होती है, सांस लेने की परेशानी हो रही है, लेकिन इस सब को ध्यान में रखते हुए ओमिक्रॉन वायरस से भी किस तरह से हमें बच के रहना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चों के स्कूल फिलहाल तो आई थिंक अभी ऑनलाइन जैसा चल रहा था वैसे ही करनी चाहिए, किसी भी तरह की हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नया वायरस है और अभी तक आया नहीं है। जब तक कोरोना पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता है कंट्री, तब तक हम छोटे, क्योंकि हमने अभी भी देखा कुछ स्कूलों में, खासकर बैंगलोर के स्कूलों में और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्कूलों में, जब स्कूल खुले तो पूरा स्कूल में मैक्सिमम पूरी की क्लास में से 60-70% बच्चे संक्रमित हो रहे थे जी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि लाइफ को पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा। कुछ दिन और हम लोग स्कूल, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए चल रहा है, या फिर 50% या 40% बच्चे जैसे कर रहे हैं एक साथ पूरा अटेंडेंस ना लेकर ही कंटिन्यू करें, और
सेंट्रल दिल्ली में जैसे पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, सरकार ने ऑलरेडी छोटे बच्चों के स्कूल अभी बंद कर रखे हैं, तो घर छोटे दिल्ली और आसपास के एरिया में जब यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पराली वगैरह जलती है, अभी भी इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी अभी इतनी जल रही है और उसकी वजह से इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो जी बच्चों को सेफ रखने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन। और देखिए पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो कई देश ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। बड़े बड़े देशों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और भारत की बात की जाए, भारत में भी वैक्सीनेशन एक बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो क्या वैक्सीनेशन से इस वायरस को रोका जा सकता है? डेफिनेटली वैक्सीनेशन वायरस का संक्रमण फैलाने में बिल्कुल बिल्कुल मतलब संक्रमण ना फैलाने में बिल्कुल मदद करती है। जी और ये ओमिक्रॉन कितना संक्रमित है ये कुछ दिनों में पता चल पाया कि हमने जो वैक्सीन लिए हैं वो इसके अगेंस्ट भी काम कर पाएगा या फिर हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत होगी। हम जैसा हम सबने देखा है कि वैक्सीनेशन की स्पीड इतनी अच्छी रही पूरे भारत में, तो सेकेंड लहर के बाद जैसा प्रेडिक्शन रहा वेव जो दिवाली दशहरा के टाइम में जहाँ इतना ज्यादा लोग मार्केट और सब में घूमते हैं आ पाएगा, कुछ उस तरह नहीं हुआ और लकीली थर्ड वेव उस तरह से आई नहीं इंडिया में। पर जी जैसा ही यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंग पहले भी हमने देखा है कि पहली और दूसरी लहर यूरोपियन कंट्रीज में जब पीक पे पहुंची उसके 2 महीने बाद इंडिया में भी आया था। तो हमें अपनी तरफ से तो सारी जो प्रिकॉशंस लेने ही होंगे ताकि हम सेफ रहें। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन। एक चीज़ और यहाँ पर देखी गई है। देखिए वैक्सीनेशन की मैंने अभी बात की थी, एक सवाल पूछा था वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए जिन देशों में अभी इस वायरस के इस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन हो चुका है। और हर बार जब ये कि नया वेरियंट सामने आता है देखने को मिलता है तो एक नए रूप में आता है, तो किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सके? क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन चाहे कर लीजिए, वैक्सीनेशन के बाद भी दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही संक्रमित करता है, और तो फिर क्या कुछ और इसमें हो सकता है? देखिए जैसा है कि ये तो रेप्लिकेट वायरस रेप्लिकेट करता है और नए स्ट्रेन डेवलप करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग को वैक्सीनेशन के लिए जरूरत पड़ती है, तो हमें एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर रेप्लिकेट करता है कुछ ऐसा पता चलता है स्टडीज में साइंटिस्ट को कि ये जो हमारा जो एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट अगर नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल लेने की जरूरत पड़ेगी। पर फिर भी जो वैक्सीनेशन ली है जो वायरस के जो मैक्सिमम हार्मफुल इफेक्ट्स रहे उनको उनमें से तो जरूर बचाएगा, जरूर रक्षा करेगा। लेकिन अभी भी हमने देखा है कुछ केसेस, दो कुछ पेशेंट्स जो ऐसे थे जो दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनको कोरोना हुआ है और कुछ जी केसेस में डेथ भी हुई है। तो वैक्सीन 100% तो नहीं लेकिन हाँ 80% तक जरूर सुरक्षा प्रदान करता है इन वायरस से। तो बिल्कुल डॉक्टर रंजन। वैक्सीन के साथ साथ जी बिल्कुल जी हमें बाकी जो प्रिकॉशन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहन के रखना, हाथ और मुंह हमेशा वॉश करते रहना, वो जरूर हमें फॉलो करने होंगे। बिल्कुल डॉक्टर रंजन। क्या अभी इस वेरिएंट के बारे में इतनी जानकारी आ चुकी है कि ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करेगा? क्योंकि अगर फर्स्ट वेव की बात कर ली जाए तो पहली लहर में बुजुर्गों पर ज़्यादा असर देखने के लिए मिला था, सेकेंड वेव में युवाओं पर इसका असर देखने को मिला था। तो क्या इस वेरियंट के बारे में अभी तक इतनी जानकारी आ पाई है कि किस एज ग्रुप पर ये असर करेगा ज़्यादा? अभी तक इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है। अगले कुछ दिनों में कुछ रिसर्च और बाकी जो केसेस होंगे उनसे आइडिया लगेगा, तब हम कुछ बेहतर बता पाएंगे। अभी इसको वेरिएंट को सोचकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन सब लोग ले रहे हैं जी नॉर्मल कोरोना और ये डेल्टा वेरिएंट के लिए, वो अभी कंटिन्यू रखें जी और बिल्कुल बेहतर डॉक्टर जानकारी आएगी कुछ दिनों में जी तो जी हम ज्यादा बता पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर। बस जाते जाते ये चाहूंगी कि किस तरह से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। क्योंकि लापरवाही लोगों में बहुत ज्यादा इस दौरान इन दिनों में देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि देखिए थर्ड वेव की बात की गई थी, थर्ड वेव नहीं आई, ये बहुत अच्छी और राहत की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में अब एक डर खत्म हो चुका है, लोग अब लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। भीड़ जगह जगह देखी जाती है, शादियों का ये सीजन शुरू हो चुका है, फिर मास्क लोगों ने लगाना छोड़ दिया है। तो जाते जाते मैं बस ये चाहूंगी कि किस तरह से सावधान रहना है, क्या कुछ करना है, वो भी आप बताइए। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अब पहले भी हम लोगों ने 1-1.5 साल किया है, अननेसेसरी अगर आपको जरूरत ना हो तो घर से बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क पहन के जाएं, बाहर से आए तो अपने हाथ और मुंह जरूर धोएं,
और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, ये प्रिकॉशन ले, बच्चों को भी यही फॉलो करने, उनको गाइड करें कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, फिर से कभी भी दस्तक दे सकता है, तो हम सबको उसके अगेंस्ट ये तैयारी कर रखनी होगी। जी चलिए ठीक है डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, साउथ अफ्रीका में मिला है, और इससे पूरे दुनिया भर की चिंताएं जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार हालांकि कोई बहुत ज़्यादा जानकारी इस वेरियंट को लेकर अभी नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है उससे ये कहा जा सकता है कि ये बेहद खतरनाक वेरियंट कोरोना का है, डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। और डेल्टा वेरिएंट 100 दिनों में फैलता था, उतना ये वेरिएंट सिर्फ 15 दिनों में फैल रहा है। इसीलिए देखिए बार-बार मैं यही कह रही हूं कि डराने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन किस तरह से आपको सावधान रहना है, किस तरह से आपको सतर्क रहना है, ये हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जागरूक रहें, आप अपना ख्याल रख सकें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें, क्योंकि पूरे भारत में जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि क्या हालात थे, वो फिर से ना हो, इसीलिए बार बार जागरूक करने की कोशिश हम कर रहे हैं।